आज मैं आपको बताऊंगी कि हाफ स्वेटर में कंधे का ये बॉर्डर किस तरह से बनाया जाता है। ये मैंने डबल कलर का बॉर्डर बनाया है, ये आपको बता रही हूँ मैं किस तरह से बनेगा। ये हमारे आगे का पल्लू है और ये पीछे का पल्लू है। तो हम यहाँ से देखिए, ये हमारा जो आगे का पल्लू है, इसमें जहाँ से हमने ये कंधे घटाए हैं वहाँ से हम फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए पीछे का ये पोर्शन, ओ सॉरी आगे का पल्लू है और ये पीछे से मैंने ये फंदे लिए हैं जहाँ से हमने ये कंधे घटाए हैं, और इसमें ये फंदे हम डालते जाएंगे एक एक फंदा और एक एक निडल छोड़ छोड़ के। ये हमारा कंधे का बॉर्डर बनेगा इस तरह से। यहाँ तक पहले हम सारे डालेंगे, फिर हम दूसरे पल्लू के डालेंगे। पहले हम यहाँ तक डाल लेते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। ये देखिए मैंने यहाँ तक, यहाँ से हमने ये स्लीव्स कटाई थी और जो कंधे कटाए थे वहां तक हमने ये फंदे डाल लिए। अब ये हमारा पीछे का पोर्शन है और इसको हम लेंगे और यहाँ से अब हम ऊपर से फंदा लेंगे यहाँ, और इसके यहाँ पर ही ये हम डालेंगे लास्ट वाले फंदे पे। ये हमने डाल दिया और फिर हम ऐसे ही एक एक फंदा और एक निडल छोड़ छोड़ के यहाँ लास्ट तक जो है सारे फंदे डाल लेंगे। अब ये देखिए मैंने दोनों जो पल्लू है उनकी स्लीव्स के सारे फंदे ये डाल लिए हैं, कंधों के फंदे। और अब हम धागा लेंगे। ये देखिए बीच में मैंने यहाँ पे नीला रखा है और स्टार्टिंग में ये रेड कलर रखा है। तो पहले हम ये रेड कलर लेंगे और रेड कलर से इन सारे फंदों को हम बिन लेंगे। यहाँ पे हम एक गांठ बांध लेंगे और साथ ही साथ ये बिनने के से सारे फंदे जो है वो बिनते जाएंगे रेड कलर से। यहाँ लास्ट तक मैं बिन लूंगी और निडिल को हम आगे की तरफ करते जाएंगे जिससे हमारे फंदे जो हैं फंसे ना। बिनते जाएंगे और निडिल आगे करते जाएंगे, इस तरह से बिनते जाएंगे और निडिल आगे करते जाएंगे। सारी निडल्स डाल ली है मैंने, सारे फंदे सारी निडिल में, और ये निडिल्स को हमने आगे की तरफ कर लिया है। अब हम साइड साइड से इसमें वेट लगा देंगे और कैरेज के नंबर मैंने सेट कर रखा है, 4 नंबर पर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे और जो है 4 लाइंस हम इस रेड कलर से बिनेंगे। एक 4 लाइंस जो है मैंने रेड कलर से बना ली हैं। अब हम यहाँ पर ब्लू कलर लेंगे, जो जिस कलर का भी आपको धारी देनी है बीच में। मैं यहाँ पे ब्लू कलर लिया है और इसको भी हम 4 बार ही बिनेंगे। एक 2, हमने 4 लाइन से रेड कलर से बनाई है और ये 4 हमारी ये ब्लू कलर से बन गई हैं। अब हम इसको धागे को निकालेंगे। अब हम 12 जो सलाइयाँ हैं वो हम रेड कलर से बनाएंगे। तो ये यहाँ पे 4 और 4 8 और 12 हमारी रेड हो गई, तो 20 सलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। और इसको जो हम डबल बन रहा है बनेंगे 10 का हमारा ये बॉर्डर बनकर आएगा। अब मैं 12 सलाइयाँ जो हैं वो रेड कलर से बना ले रही हूँ। अब ये हमारी 12 सलाइयाँ जो हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। बीच में हमारा ये धारी आ जाएगी नीली कलर से और इधर ये हमारा रेड कलर है। अब हम सारे फंदों को उतार लेंगे, फंदों को थोड़ा सा ढीला ढीला करके ही उतारेंगे। वैसे सारे फंदे हम लास्ट तक जो हैं उतार लेंगे। वैसे ये सारे फंदे हमने उतार लिए हैं, यहाँ से हम वेट निकाल देंगे। धागे को काटा, ये देखिए ये आपका ये बॉर्डर बन गया है। यहाँ पे बीच में ब्लू कलर की आपकी पट्टी सी आ जाएगी, देखिए इस तरह से आप इसको सिल लेंगे और ये आपका बॉर्डर बन गया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सिला हुआ है, इस तरह से ये आपका बनकर आ जाएगा।